it is fungal infection. Fungal infection are two types, superficial and deep fungal infection. Deep fungal infection are subcutaneous and systemic fungal infection. But due to related to the skin topic, we come for the superficial fungal infection. Superficial fungal infection are again three types. So first kya dekhenge hum, classification of superficial fungal infection. So it is classified into three types. First is pityriasis versicolor. Okay, first type is pityriasis versicolor. Mostly किस टाइप से समझते हैं हम इसको, मराठी में क्या बोलते हैं, सुरमा, सुरमा है ना, अगर सुरमा देखा है तो उसको पिटोरियासिस वर्सिकलर बोलते हैं मोस्टली कॉमनली. दूसरा है कैंडिडियासिस. ओके, इट इज अगेन ऑफ 1, 2, 3, 4 टाइप. एंड डर्मेटोफाइटिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग वर्म इन्फेक्शन. ओके, इट इज अगेन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइप. सो फर्स्ट इज पिटोरियासिस वर्सिकलर. Second is candidiasis, it is again of, depending upon clinical presentation, it is classified into four types. First is candidiae intertrigo, means fungal infection of the skin fold. It is most common in fat person or chubby babies. जैसे neck पे रहेगा, पेट पे रहेगा, ऐसे रहेगा या thigh पे रहेगा. अगर fat person है तो उनको भी या तो thighs पे रहेगा या तो पेट के fold पे रहेगा ये, या neck पे रहेगा. दूसरा है कैंडिडियासिस स्ट्रोमेटाइटिस. एवरीवन नो व्हाट इज द स्ट्रोमेटाइटिस. सो सेकंड टाइप इज कैंडिडियासिस स्ट्रोमेटाइटिस. थर्ड इज कैंडिडियासिस पैरामीचिया, मींस इट इज फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल. ओके, एंड लास्ट इज कैंडिडियासिस वजाइनाइटिस, इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना. नेक्स्ट डर्मेटोफाइटोसिस, मींस रिंग वर्म इन्फेक्शन. सो फर्स्ट टाइप इज टीनिया कैपिटिस. ओके सॉरी, टीनिया कार्पोरिस, मींस फुल बॉडी फंगल इन्फेक्शन. रिंग वर्म इन्फेक्शन मीन्स रिंग वर्म जो पैचेस रहेंगे वो कहाँ करेंगे, ऑन एंटायर बॉडी. सेकेंड इज टीनिया कैपिटिस और बार्बेल, मीन्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्काल या बियर्ड पे रहेगा, मोस्टली मेल आर मोस्ट कॉमन होते. थर्ड टाइप इज टीनिया प्रूरिस, मीन्स ग्रॉइन रीजन फंगल इन्फेक्शन या रिंग वर्म इन्फेक्शन इन ग्रॉइन रीजन. फोर्थ टाइप इज टीनिया पेडिस, मीन्स हैंड एंड फीट फंगल रिंग वर्म इन्फेक्शन. एंड लास्ट टाइप इज ऑनको ऑनिकोमाइकोसिस, मीन्स फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल प्लेट. कैंडिडियास में भी सब टाइप के इन्फेक्शन यहाँ भी है, बट यहाँ पे क्या कैसे रीजन रहेगा, रिंग वर्म लाइक रहेंगे. यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्चार्ज कर्ड लाइक डिस्चार्ज रहेगी. यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्यूल रहेगी, मैक्यूल विद स्केली रीजन. मैक्यूल मीन्स ओनली पैल्प डिस्कलरेशन, मीन नो रेज्ड एरिया नहीं रहेगा स्किन पे. अगर सोरेस स्केलिंग और कहाँ पर रहता है, है ना, तो वहां पे क्या रहते हैं, रेज रीजन रहते हैं, प्लैक्यू रहते हैं वहां पे. प्लैक्यू का मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल एरिया ऑफ द स्किन मोर देन 1 सेंटीमीटर. थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा ऊपर दिखेगा, स्केलिंग रहेगी. यहाँ भी स्केलिंग है, सोरेसिस में भी स्केलिंग है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. यहाँ पे मैक्यूल, मैक्यूल मीन्स डिस्कलर्ड एरिया ऑफ द स्किन. सिर्फ व्हाइट या ब्लैक डिस्कलरेशन दिखाई देगा. एरिया कहाँ पे रहेगा, चेस्ट पे रहेगा, फेस पे रहेगा, ट्रंक पे रहेगा. सोरेसिस का भी वही रहता है मोस्टली. तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये सोरेसिस है या पिटोरियासिस वर्सिकलर. तो इसमें क्या रहेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉइस्ट एरिया, ह्यूमिड एरिया, जैसे रेनी सीजन में होगा या जिनको पसीना ज़्यादा है उनमें ये रहेगा. ये फंगल इन्फेक्शन से होगा. सोरेसिस में हमको कॉज नहीं मिलते, फैमिली हिस्ट्री मिलती है ना. और दूसरा क्या रहेगा, स्केलिंग, स्केलिंग दोनों में होगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ी सी व्हाइटिश स्केलिंग रहेगी और मैक्यूल रहेगा, मीन्स पैच रहेगा. सोरेसिस में क्या रहेगा, रेज एरिया ऑफ द स्किन रेडिश रहेगा, इरिथमेटस रीजन और स्केल रहेगा. तो ये और इसमें क्या रहेगा, इचिंग बहुत रहेगा, सोरेसिस में इचिंग कम रहेगा. तो ये डिफरेंस है इन दोनों, है ना. और यहाँ इसमें कैंडिडियास में क्या रहेगा, सुपरफिशियल ही देख रहे हैं, बट उसमें भी तीन टाइप देख रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के. फर्स्ट टिपिकल कौन सा है, पिटोरियासिस वर्सिकलर. ये कौन सा है, जैसे मैंने बोला सुरमा बोलते हैं वो रहेगा. यहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या आएगा हमको, सोरेसिस आएगा, है ना. तो वो डिफरेंशियल हो गया. दूसरा कैंडिडियास, ये कैसे याद रखना है, कर्ड लाइक डिस्चार्ज. ओके, और ये रिंग वर्म लाइक रीजन रहेगी सुपरफिशियली, बट यहाँ पे रिंग वर्म रीजन रहेंगे. वहाँ भी अकॉर्डिंग टू बॉडी उसको नाम दिए, क्लासिफिकेशन किया. सो हम क्या करेंगे, अभी डीप देखेंगे, डीप में देखेंगे सब टाइप्स. सो वी सी इन डिटेल ईच टाइप. फर्स्ट इज पिटोरियासिस वर्सिकलर. ओके, इट इज कॉज बाय फंगस मैलेसिया फर्फर. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आर ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन. मोस्टली ये किसमें होगा, ये तो और
पड़ेगा। रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको ये भी माइंड में रखना है कि इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है तो उसमें ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। कौन से भी कैंडिडेट्स ले लो, डर्मेटोफाइटिस ले लो और ये लो। और दूसरा बैड हैबिट्स है ना, एक दूसरे के पेन साइड वगैरह यूज करते जिसमें भी फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो जब पेशेंट आता है हमारे पास ये इन्फेक्शन का, उनको क्या बोलना है तो ह्यूमिड मीन्स क्या होता है, मोस्टली जहाँ पे मॉइस्ट, जैसे कपड़े गीले पहनते हैं या छोटे बच्चों में कपड़े ज़्यादा देर गीले रखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, ऐसे कंडीशन ये भी याद रखना पड़ता है ट्रीटमेंट के साथ। ये आप अगर आपके आदतें हैं तो आप कुछ कम करो या चेंज करो आदतें, ये करना है। दूसरा पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो वो भी आपको पेशेंट को एडवाइस करना कि मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। ओके, सो दिस इज द ह्यूमिड कंडीशन एंड दूसरा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन। क्लिनिकली मेल आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, मोस्टली यंग मेल आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर अदर ऑयली स्किन, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, ऑल दीज आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। लीजन्स आर इट इज कैरेक्टराइज बाय असिम्प्टोमैटिक वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स कवर्ड विद स्केल। ओके, वेल डिफाइंड हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स कवर्ड स्केल, दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीरियासिस वर्सिकुलर। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एरिया एक्जिला, चेस्ट, नेक, इंफ्रामैमरी लीजन इन फीमेल एंड अपर सेंट्रल बैक। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एरियाज। दीज एरिया आर ऑल्सो अफेक्टेड इन सोरेसिस। लीजन मोस्ट कॉमनली सीन इन सबक्यूटेनियस रीजन, सॉरी सीबेसियस ग्रोथ रीजन, जहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा है वहाँ पे ये लीजन ज़्यादा दिखाई देगी। डायग्नोसिस क्लिनिकली डायग्नोस एंड डायग्नोसिस कन्फर्म बाय एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन स्क्रैपिंग इन 10% KOH डेमोन्स्ट्रेट द स्कोर। क्लिनिकली तो डायग्नोस हो जाएगा बट कन्फर्म करना तो क्या करना है, हमको स्किन स्क्रैपिंग लेना है और इट इज एग्जामिन अंडर द 10% KOH। सो इट फाइंड आउट द स्कोर ऑफ दैट फंगस मेलेसिया फर्फर, जिससे कन्फर्म हो जाती है किस डायग्नोसिस कब करते हैं कन्फर्मेशन, वेदर इट इज सोरेसिस, वेदर इट इज सेबोरोइड डर्मेटाइटिस और वेदर इट इज द पिटीरियासिस वर्सिकुलर। सेबोरोइड डर्मेटाइटिस के भी लीजन सेम रहते हैं, सोरेसिस भी सेम रहते हैं, पिटीरियासिस वर्सिकुलर की लीजन सेम है, एक्जिला, ग्रोइन, अपर पार्ट ऑफ द बैक एक्सेट्रा। सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्क्रैपिंग स्किन एग्जामिनेशन टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। ओके ओके, नेक्स्ट टाइप इज कैंडिडियासिस। ओके, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर टाइप। सो फर्स्ट टाइप इज कैंडिडियासिस इंटरट्राइब, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन फोल्ड, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी फोल्ड या स्किन फोल्ड। ओके, सो फैट अडल्ट एंड चबी इन्फेंट आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। सो ये बच्चों में भी ज़्यादा रहेगा, जो फैट है उनमें ये ज़्यादा दिखाई देगा। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया नेक फोल्ड, ग्रोइन, सब मेमोरी फोल्ड इन फीमेल, ऑल्सो इन ऑन थाई, अपर ऑन थाई। फिंगर वेव आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ड्यू टू यूज ऑफ अक्लूजिव फुटवेयर, तो उनमें भी ये हो सकता है वहाँ पे जो, तो वो लीजन कैसे रहेगा, वाइट डिस्कलेशन और फंगल ग्रोथ जैसे वहाँ पे दिखेगा अगर वो फुटवेयर पहनने से होता है तो। द लीजन आर इरिथेमेटस एंड पैची विथ इचिंग, इरिथेमेटस पैचेस। स्किन फोल्ड में कैसे दिखाई देगा आपको, इरिथेमेटस लीजन, वहाँ पे कुछ फंगल वाइट या कुछ नहीं दिखाई देगा, रेडिशनेस दिखाई देगा, मॉइस्ट एरिया, पसीना जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, वहाँ पे वो दिखाई देगा स्किन फोल्ड में, रेडिश इरिथेमेटस प्लस इचिंग रहेगा वहाँ पे। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, अवॉइड द मॉइस्टनेस, मीन्स अगर डस्टिंग पाउडर, कैंडिड डस्टिंग पाउडर देंगे या तो ड्राई रखने का कोशिश करेंगे वो एरिया, तो उससे क्या होगा ये कम हो जाता है। विदाउट यूजिंग द कैंडिड पाउडर ओनली कीप द एरिया ड्राई, इट गिव द सो मच रिलीफ। सो ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। दूसरा है कैंडिडियल स्टोमेटाइटिस, सो इट इज स्वेलिंग ऑफ गम, ऑल्सो लीजन आर फाउंड ऑन द टंग आल्सो एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय कर्ड लाइक डिस्चार्ज ऑन पैलेट या ऑन टंग, वहाँ पे रहेगा, या साइड ऑन द चीक वाइट कर्ड लाइक डिस्चार्ज रहेगा वहाँ पे, तो ये हो गया स्टोमेटाइटिस। नॉर्मल स्टोमेटाइटिस अलग, और फंगल इन्फेक्शन है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाइट कर्ड लाइक डिस्चार्ज रहेगा वहाँ पे, कहाँ पे रहेगा तो इनर साइड ऑफ चीक, पैलेट या टंग पे रहेगा वो, तो दूसरा इरिथेमेटस लीजन रहेगा वहाँ पे, तो जिससे हम ये कर सकते हैं कि कैंडिडियल स्टोमेटाइटिस है ना। और एक जो दूसरी बात है इसमें क्या रहेगा, इसमें भी अगर रिपीटेड स्टोमेटाइटिस रहेगा तो इसमें हम क्या ये कर सकते हैं, एड्स का पेशेंट हो सकता है, तो अगर रिपीटेड ऐसा पेशेंट आ रहा है तो हम ये रिमाइंड में रख सकते हैं, मे बी सफर फ्रॉम द एड्स, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है करने से भी ज़्यादा। ओके,
Next is Candida Parenchyma. So it is a nail fold fungal infection. So mostly nail में होगा. It is characterized by erythematous edema and hypopigmentation of the proximal nail part. So nail पे रहेगा, proximal part पे erythematous region रहेगा mostly. और दूसरा यहाँ पे हम बोलते हैं white curl like picture. But nail पे क्या रहेगा? Erythematous region रहेगा और edema रहेगा. Erythematous means कैसे? Reddish रहते हैं ना थोड़े. सूजा लग सकता है सूजा से लग जाए. दूसरा when on pressing discharge is there, pus like discharge, it is due to the secondary bacterial infection. Mostly किसमें दिखाई देगा ये fungal infection? जिनके हाथ हमेशा पानी में है या डिटर्जेंट में है उसमें दिखाई देगा. जैसे कि hotel person है या maid है housemaid है उनमें क्या दिखाई देगा? इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा. ओके, इसमें ज़्यादा रहेगा. हम मोस्टली क्या सोच रहे कैंडिडेसिस कर्ड लाइक डिचर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा. इरिथीमेटिस रहेगा, इडिमा रहेगा. जो पस लाइक डिचर रहेगा वो क्यों आएगा? बिल्कुल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये रहेगा उसमें. डायग्नोसिस स्मीयर ऑफ द डिस्चार्ज फ्रॉम द नेल फोल्ड डेमोन्स्ट्रेट द फंगस, है ना. अगर हमको देखते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है तो हम जो डिस्चार्ज है उसका क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे. उसमें क्या होगा? जो स्पोर है फंगस के वो दिखाई देगा हमको. तो ये कन्फर्म द डायग्नोसिस. वाई कन्फर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, है ना. क्या दे रहा है? बैक्टीरियल देना है, एंटी फंगल भी देना है, हमको देखना पड़ेगा. इधर इट इज बैक्टीरियल और फंगल. बैक्टीरियल है तो वो भी देना है, बट फंगल इन्फेक्शन कब जाएगा? जब हम एंटी फंगल देंगे तो उसके लिए हमको ये टेस्ट करना पड़ता है. दूसरा है कैंडिडियल वजेनाइटिस. तो इट इज अगेन कैरेक्टराइज बाय इचिंग, बर्निंग, इरिथेमेटस लीजन ऑफ वजेना एंड कर्ड लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द वजेना. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडियल वजेनल फंगल इन्फेक्शन. ओके, टाइप इज डर्मेटोफाइटोसिस मीन्स रिंग वर्म इन्फेक्शन. इट इज ऑल्सो अगेन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन. ओके, इट इज कॉज बाय द डर्मेटोफाइट फंगल. सो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज डर्मेटोफाइट फंगल. नाउ हियर द मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन. फर्स्ट इज ह्यूमन टू ह्यूमन मीन्स बाय शेयरिंग द क्लॉथ पर्सनल आर्टिकल्स लाइक कॉम शेविंग ब्लेड टॉवल एक्सेट्रा. उससे भी हो जाएगा. दूसरा टाइप है ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन मीन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पेट एनिमल. तो एनिमल से भी ये इन्फेक्शन पर्सन को हो सकता है. दूसरा है सॉइल टू ह्यूमन मीन्स कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. तो ये फंगाई कहाँ पर रहेगी? या तो सॉइल में भी रहेगी, वहाँ से भी इन्फेक्शन होगा. दूसरा पर्सन टू पर्सन मीन्स आर्टिकल यूज के इन्फेक्टेड तो भी हो सकता है. नेक्स्ट है एनिमल टू ह्यूमन मीन्स पेट एनिमल से ही ज़्यादा हो सकता है. तो इसके वजह से फॉर प्रिवेंटिंग फाइंड आउट द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ फर्स्ट इज टीनिया कार्पोरिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन ऑन द बॉडी. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेयर इरिथेमेटस राउंड और रिंग लाइक लीजन विथ सीवियर इचिंग. तो लीजन कैसे रहेंगे? राउंड, इरिथेमेटस, सीवियर इचिंग, बट क्लियर एट द सेंटर एंड हैविंग रेड एरिया ऑन द पेरिफेरी रहेगा. वहाँ पे स्मॉल वेसिकल भी रह सकते हैं. वहाँ पे जैसे रिंग रहेगा, रिंग और नाम इज नाम सजेस्ट द इन्फेक्शन. रिंग जैसे रहेगा बट सेंट्रली क्लीन एरिथेमेटस, पेरिफेरी में एरिथेमा रहेगा, सेंट्रल की क्लीन होते जाएंगे. और अगर बहुत डीप देखा तो वहाँ पे क्या रहेगा? फाइन स्मॉल वेसिकल भी दिखाई देगी वहाँ पे. दूसरा हम कह सकते हैं इचिंग है हर जगह पे, तो हम स्कैबीज की तरफ भी जा सकते हैं, बट इट इज नॉट द स्कैबीज, इट इज द रिंग वर्म इन्फेक्शन. हमको लीजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. या सेंट्रली क्लियर रहेंगे, पेरिफेरी पे एरिथेमा रहेगा और स्मॉल वेसिकल भी दिख सकते हैं. बहुत ही फाइन दिखाई देगी मीन्स बहुत डीपली देखा तो दिखाई देगा. सो दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिंग वर्म इन्फेक्शन. ओके, टीनिया कार्पोरिस इट इज प्रेजेंट ऑन होल बॉडी. लीजन्स आर रेड इरिथेमेटस स्केली लीजन कवर्ड विद द स्मॉल वेसिकल एट द पेरिफेरी. स्केलिंग भी रहेगा बट बहुत माइल्ड रहेगा, बट पेरिफेरी पे वेसिकल रहेगी. सेंटर में क्लीन और सीवियर इचिंग. दूसरा क्या प्रेजेंटेशन रहेगा इसका? सीवियर इचिंग रहेगा इसमें. तो होल बॉडी पे कहीं भी रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? टीनिया कार्पोरिस. तो फंगल रिंग ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द होल बॉडी. बट लीजन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑन एक्जिला, बटर एंड ऑन और एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी. फुल बॉडी पे फिर भी ज़्यादा कहाँ रहेगा? एक्जिला ग्रॉय मॉइस्ट एरिया जहाँ पे वहाँ पे ही ज़्यादा रहेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टीनिया कैपिटिस और टीनिया बारे मीन्स सेम लीजन ऑन स्काल्प रहेंगे या बेड एरिया पे. कैसे रहेंगे? राउंड पैचेस, लॉस ऑफ हेयर रहेगा और इचिंग सीवियर रहेगा वहाँ पे. या जो डिस्चार्ज अगर रहा तो बाल क्या रहेंगे वहाँ पे? जो स्काल्प एक दूसरे को चिपके रहेंगे. ये प्रेजेंटेशन रहेगा
टीडीएम कैपिटिस और बार पे करेगा, या तो बियर्ड में रहेगा या तो स्काल पे रहेगा। सीवियर इचिंग, पैची लॉस ऑफ हेयर, राउंड पैचेस रहेंगे वहाँ पे, इचिंग रहेगा, इरिडेमेटस लीजन रहेगा वहाँ पे। तो ये प्रेजेंटेशन रहेगा टीनियर कैपिटिस या बार्बर से। दूसरा है टीनियर क्रूइस, इट इज द लीजन ऑन ग्रॉइन रीजन पे रहेगा ये फंगल इन्फेक्शन। रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑफ द ग्रॉइन रीजन, तो टोज रीजन में रहेगा या तो यह सेंटर यहाँ पे रहेगा, दोनों फोल्ड में रहेगा, वो मैसरेशन रहेगा, जैसे स्किन एक दूसरे को बिस्किट कैसे थी वैसे रहेगा। रेडिश इरिडेमेटस लीजन रहेंगे वो रीजन पे, लोग क्या बोलते हैं टीनिया पेडिस। लीजन में भी इंफ्लामेटरी और नॉन इंफ्लामेटरी, नॉन इंफ्लामेटरी रीजन में क्या रहेगा पोअरली डिफाइंड इरिडेमेटस पैचेस, इंफ्लामेटरी में क्या रहेगा वेसिकल्स और इरिडेमेटस रीजन रहेंगे। इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, इंफ्लामेटरी एंड नॉन इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेटरी में क्या रहेगा इरिडेमेटस मोर इरिडेमा रहेगा और वेसिकल रहेगा इसमें बॉडी में, और नॉन इरिडेमेटस में क्या रहेगा माइल्ड इरिडेमा रहेगा वहाँ पे, इचिंग भी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है इसमें। नाउ और कौन सा टाइप होगा जी, क्रूरिस, कैपिटिस, कार्पोरिस, लास्ट इज ऑनिकोमाइकोसिस। सो इट इज अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल प्लेट। इट इज कैरेक्टराइज बाय येलो ब्राउन नेल डिस्कलेशन विथ थिकनिंग ऑफ द नेल, सब एंगुलर हाइपोकेराटोसिस, ऑल द नेल्स रेयरली अफेक्टेड बट द टो नेल मोस्ट कॉमन इफेक्टेड। तो मोस्ट कॉमनली टो नेल पे रहेगा। दूसरा येलोइश और ब्राउन डिस्कलेशन रहेगा। दूसरा हमने क्या देखा है कैंडिडियस में देखा है ना नेल इन्फेक्शन, तो वहाँ पे क्या है इरिडेमा है, इरिडेमा है, यहाँ पे क्या है डिस्कलेशन है ना, थोड़ा सा ब्लैकिश रहेगा, येलोइश डिस्कलेशन रहेगा नेल फोल्ड पे। तो ये दो इन्फेक्शन हमारे सामने आ सकते हैं, रिंगवर्म में भी है और इसमें भी है कैंडिडियस में। कैंडिडियस में इसमें नेल अगर फंगल इन्फेक्शन है तो डिस्चार्ज नहीं रहेगा, इरिडेमा और इरिडेमा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा येलो डिस्कलेशन रहेगा या ब्लैक डिस्कलेशन रहेगा, स्वेल इरिडेमा भी हो सकता है, बट डिस्कलेशन मोस्टली नेल में रहेगा, साइड में नहीं, नेल में डिस्कलेशन रहेगा। डिस्कलेशन तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन बट रिंगवर्म इन्फेक्शन बोल सकते हैं उसमें। ओके, तो ये सब टाइप हो गए सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में। इन्वेस्टिगेशन में क्या है मोस्टली इट इज डायग्नोस क्लिनिकली, बट स्किन स्क्रैपिंग और हेयर प्लक या कुछ भी लेके 20% के एज में अगर डायग्नोसिस किया तो वो जो स्कोर है फंगल इन्फेक्शन की हमको मिल सकते हैं। तो इट कन्फर्म द डायग्नोसिस वेदर इट इज रिंगवर्म इन्फेक्शन और कैंडिडा इन्फेक्शन और इट इज अ प्रिटेरिसिस वर्सिकल। तो इससे हम फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है फंगल ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स जैसे झोकॉन वगैरह वो ड्रग है तो वो उससे देते हैं। बाकी एलोपैथी में सॉरी होम्योपैथी में बहुत अच्छे ड्रग है, बट अगर इवन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, सो दिस इज द फंगल इन्फेक्शन।